चंद्रपुर की ओर से बहुजन मेडिकल एसोसिएशन ने नांदेड़ अस्पताल में हुई मौतों पर दुख व्यक्त कर कहा, लेकिन स्थानीय सांसद हेमंत पाटिल के साथ अपने डीन डॉक्टर बाकोडे सर के व्यवहार का सार्वजनिक रूप से विरोध भी कर रहा है। हम इसे पिछले कुछ दिनों या महीनों में देखते हैं कि महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में सरकारी अस्पतालों बर्न वार्डों में मौतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के पद बड़े पैमाने पर खाली हैं और पूरी सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। लेकिन उससे भी अधिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी समिति जनशक्ति को पूरा करने के बारे में कुछ नहीं बोलती, तो इसका बहुत बड़ा आरोप डॉक्टरों पर लगाया जाता है। और इसलिए आज चंद्रपुर बहुजन मेडिकल एसोसिएशन ने नांदेड़ मृत्यु का कारण बताते हुए चंद्रपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में निदेशकों की 24 में से 21 पद खाली है। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों और सक्षम शिक्षकों के लगभग 50% पद खाली है। ब्याज देने के लिए वेतन नहीं है। चंद्रपुर के इंटरर्स हड़ताल पर हैं। पिछले 8 दिनों से उन्हें 1 महीने का वेतन देना पड़ रहा है। आश्वासन दिया गया कि नर्सिंग स्टाफ 70% से कम है। कॉलेज में पीजी शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण पोस्ट रॉट सीट नहीं है। कुल मिलाकर सफाई कर्मचारियों की कमी अभी भी काम नहीं हुआ और यहाँ बिस्तरों की संख्या बहुत अपर्याप्त है और मरीजों को ग्राउंड फ्लोर पर बिस्तरों पर रखा जाता है। चंद्रपुर में सीआरएम, जिसे ऑपरेटिंग एक्सरे कहा जाता है, ऑर्थोपेडिक्स पिछले 4 महीने से बंद है। दवा के लिए बजट बहुत कम है और मरीजों को बाहर से दवा लाने के लिए भेज दिया जाता है। बहुत सारे परीक्षण मेडिकल कॉलेज में भी नहीं किए जाते और मरीज़ को उसके लिए बाहर के निजी अस्पताल में भेज दिया जाता है। आगे बोलते हुए उन्होंने बड़े बयान दिया, ये जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज आम्ही बहुजन मेडिकल असोसिएशन के डॉक्टर पत्रकारांसमोर आलो आणि खंत व्यक्त केली। नांदेडला जी घटना झाली, ठाण्याला जी घटना झाली, नाशिकला जी घटना होत्या तिथल्या वैद्यकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये, आणि सोबतच डीनसोबत जो गैरव्यवहार तिथल्या खासदार हेमंत पाटील यांनी केला, आम्ही त्याचासुद्धा तीव्र निषेध करतो। एक उच्च पद असलेली व्यक्ती तिथे असते बसलेली आणि त्याच्यासमोर सोबत असा व्यवहार हा अतिशय नाराजीपूर्वक आहे प्रोफेसर डॉक्टर पाटील यांच्यामध्ये। आणि याला कारणीभूत फक्त ह्या सगळ्या घटनेला कारणीभूत फक्त डीन किंवा त्या इन्स्टिट्यूशनचे लोक नसतात, तर एकूणच पॉलिसी मेकिंग लेवलवर जी सिस्टीम चालत आहे, जी केंद्रापासून तर राज्य सरकारपासून तर मेडिकल कॉलेजपर्यंत जी सिस्टीम असते त्याच्यामध्ये बजेट अलोकेशन असतो, त्याच्यामध्ये मनुष्यबळ म्हणजे डॉक्टर्स किती असले पाहिजे, नर्सेस आणि सफाई कामगार आणि बाकी यंत्रणा कशी चालली पाहिजे, याचं सगळी यंत्रणा ही पॉलिसी मेकिंगपासून खासदार, आमदार, लोकल प्रतिनिधी आणि डीन आणि सगळं प्रशासकीय व्यवस्था कलेक्टरपासून सगळे करत असताना फक्त एका व्यक्तीला धारेवर धरणं हे कितपत बरोबर आहे हा प्रश्न बहुजन मेडिकल असोसिएशन विचारत आहे। सोबतच चंद्रपूरमध्ये आम्ही जिथे आहोत तिथे पण सुद्धा ही अशीच ही वैद्यकीय व्यवस्था, शासकीय वैद्यकीय व्यवस्था अतिशय ढिसाळ आहे। त्याच्यामध्ये सुधारणा व्हावी, डॉक्टरांची संख्या वाढावी, नर्सेसची संख्या वाढावी, सफाई कामगार व्हावे, स्वच्छ दवाखाने असावेत, इथल्या इंटर्न्सला आणि मेडिकल ऑफिसर्सला रेग्युलर पगार व्हावेत आणि औषधं, मशीन्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी रेग्युलर फंड यावा आणि तो सुद्धा पुरेसा यावा। आणि ही चंद्रपूर मेडिकल कॉलेज 60 लाख पॉप्युलेशनला, चंद्रपूर गडचिरोली वणीचा काही भाग, यवतमाळचा काही भाग ह्याला स्कॅटर करते, काही तेलंगणातून पेशंट येतात, त्यामुळे इथली आरोग्य व्यवस्था ही चांगली असावी, सुरळीत असावी यासाठी आम्ही विनंती करतो आहे। आणि या सगळ्या प्रश्नाला फक्त एक व्यक्ती जबाबदार नसून समजा ही यंत्रणा जर शासकीय लेवलवर थोडी डिसाड आहे तर आमची मागणी आहे की महाराष्ट्रातील आरोग्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर राजीनामा द्यावा। मॅडम सर, इंडियन मेडिकल सर्व्हिस ही ज्या प्रकारे IAS असतात, इव्हन प्राण्यांसाठी IFS आहे, जंगलांसाठी IFS आहे, त्या प्रकारे आरोग्य व्यवस्था ही एक स्वतंत्र व्यवस्था आहे आणि त्या स्वतंत्र व्यवस्थेला आणि अतिशय महत्त्वाची आणि नाजूक अशी व्यवस्था आहे, लोकांच्या जगण्या मरण्याचा प्रश्न असतो, अशा व्यवस्थेला गव्हर्न करण्यासाठी आणि पॉलिसी मेकिंगपासून तर इम्प्लिमेंटेशनपर्यंत अशा कॅटराइज लोकांची ती यंत्रणा असली पाहिजे आणि ते कॅटरायझेशन IMS म्हणजे इंडियन मेडिकल सर्व्हिसेस कडून व्हावं किंवा अशी यंत्रणा उभी राहावी ही मागणी वेळोवेळी केली गेली। आणि ही 1961 नव्हती, त्याच्यानंतर ती आली आणि त्याच्यानंतर परत IMS ही यंत्रणा संपुष्टात आली आणि आज आरोग्य व्यवस्थेला IAS चालवतात। त्या IAS लोकांना आरोग्याबद्दल कुठलंही असं ज्ञान नसतं किंवा पुरेसं असं ज्ञान नसतं असं मी म्हणेन, आणि म्हणून पॉलिसी बनवताना आणि इम्प्लिमेंट करताना ते कमी पडतं। आणि म्हणून आणि बरेचदा निर्णय किंवा डिसिजन मेकिंगमध्ये आमचे डीन किंवा आमचे सुपिरियर लोक आरोग्य विभाग ते नसतात आणि बरेचसे थोपवण्यात येतात IAS ऑफिसरकडून ते निर्णय, तर ते निर्णय घेण्यासाठी सक्षम लोक याच
यंत्रणेमधून वैद्यकीय विभागातून यावे अशी आमची मागणी आहे. काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्ध शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर लहंगा आणि लेडीज वेअर चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्ध शॉपिंग मॉल, आझाद गार्डन जवळ, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर. नागपुर जिले के सरकारी मेयो अस्पताल में विभिन्न कारणों से बुधवार सुबह तक 24 घंटे में कम 25 मरीजों की जान चली गई, जिससे राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. अधिकारियों के अनुसार इस बीच डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और नांदेड़ अस्पताल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई, जबकि छत्रपति संभाजी नगर अस्पताल में भी मृतकों की संख्या 10 से बढ़कर 18 तक पहुंच गई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो गई है और सरकार सो रही है. सुले ने कहा कि ठाणे, नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर के बाद नागपुर में भी 25 मरीजों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के पास नई दिल्ली जाने का समय है, लेकिन इन अस्पतालों का दौरा करने का समय नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं के लिए महाराष्ट्र के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है. राज्य में चिकित्सा आपूर्ति की जबरदस्त कमी है. वही विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार आज दो अस्पतालों के दौरे पर जाने वाले हैं, जबकि शिवसेना के नेता विधान परिषद विपक्ष अंबादास दानवे ने आज सुबह नांदेड़ अस्पताल का दौरा किया. दानवे ने कहा कि मरीजों ने उन्हें अस्पताल की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया कि कैसे सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन में देरी के कारण एक गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई. आपको बता दें कि नागपुर राज्य की दूसरी राजधानी है और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं का गृह नगर है. राज्य में तीन दिन में तीन जिलों के तीन सरकारी अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों, चिकित्सा या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी सहित अन्य विभिन्न कमियों के कारण लगभग 30 पशुओं सहित कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई है. मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया को बताया कि नांदेड़ अस्पताल में मौतों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9552271786, 9322899635.